डांस के सबसे बड़े मंच पर डांस के साथ साथ छाया रहा महानायक अमिताभ बच्चन का जादू। महानायक के दिल को छूने के लिए धर्मेश, बिन्नी और किशोर ने अपनी जान को भी जोखिम में डाला। डांस की कसौटी के रहस्य को समझने में लगे हुए हैं डांसिंग स्टार्स के साथ साथ मास्टर्स भी, और बढ़ते कंपटीशन की वजह से इस हफ्ते उस डांसिंग स्टार को भी जाना पड़ा जो सभी की आंखों का तारा था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप रखते हैं, नाम है शहजा। आज खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ? अभी हमारा मौत के साथ अपॉइंटमेंट है, क्या मालूम? इस बार मिस्टर अमिताभ बच्चन, द ग्रेट अमिताभ बच्चन हमारे एपिसोड में आ रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा थी अमिताभ जी से मिलने की, और आज वो सपना पूरा होने को आया है। पहली बार बच्चन जी को सामने देखेंगे और बच्चन जी बात करेंगे, मैं तो सोचता हूँ कि मेरे मुँह से कुछ निकलेगा ही नहीं। एक बार आपके सामने आकर आपका पैर पड़ने का, उसमें और कुछ नहीं। ही इज अ गॉड, सीरियसली ही इज अ गॉड, सो वी ऑल लव हिम, वी ऑल लव हिम वेरी मच। And now, please welcome superstar of the millennium, Shri Amitabh Bachchan! बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें और मिथुन दा को 20 साल बाद एक साथ मिलते हुए देखकर। 20 साल पहले उन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसमें उनकी जोड़ी कमाल की थी, और 20 साल के बाद जब वो स्टेज पर एक साथ उतरे तो देखने वालों के भी मतलब होश उड़ गए और सब दंग के दंग रह गए। तू मेरे को दोस्त बोली, तेरी अम्मा मेरे को बेटा बोली, अब मेरे को कुछ नहीं होना रहे, तू जो बोलेगी मैं करेगी। अगर मौत भी मेरे को बुलाएगी ना, मैं हाफ एन आवर डिमांड करके आएगी, लेकिन तेरे पास आएगी जरूर। ए, तुम्हारा नाम कृष्णा नहीं है, रमे है ना? ये मैंने ठीक से बोल रहा है, यम ये, यम ये, या राइट, ओके। जब मैंने मिथुन दा और अमिताभ जी को देखा दोनों साथ में एक मंच पर, ऐसा लगा कि दोनों दोस्त जो बिछड़ गए मिल गए, एंड द बॉन्डिंग वाज जस्ट माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल। आपको बता दें, आपके आने से पहले ये सब झांक रहे थे कहीं आप दिखाई दे। अमित जी और मिथुन दा को साथ में देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एक सपने की तरह था, क्योंकि दोनों हमारी इस पूरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स हैं। How lucky you all are that you have been dancing in front of one of the greatest legend ever born in this country. दो बड़े सुपरस्टार, दो लेजेंड, लिविंग लेजेंड, एक साथ एक ही मंच पे, सो इससे अच्छी और इससे खुशनसीबी वाली बात कोई नहीं हो सकती है। वो इतने डाउन टू अर्थ हमसे बात कर रहे थे, मुझसे पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो। इतनी नॉर्मली बात कर रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी और एकदम सपने सा लग रहा था, तो हम कांप भी रहे थे उनके सामने, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत जबरदस्त था हमारा। अमित जी ने बहुत अच्छा एक वीडियो प्रेजेंटेशन कराया, एक छोटा सा ऑडियो विजुअल है जिसे मैं चाहूंगा कि अब दिखाया जाए, धन्यवाद। उन्होंने मिथुन दा का जहाँ वो बॉर्न हुए थे एंड वे यूज्ड टू लिव, और उनका पूरा संघर्ष दिखाया। ये है बाबा का घर, ये हाँ। अच्छा, उनका एक छोटा सा कमरा जहाँ वो रहते थे, उनकी माता जी, सब कुछ ये दिखाया। बहुत इमोशनल हो गए मिथुन दा, बाद में कह रहे थे कि ही इज फीलिंग चोक्ड। थैंक यू सो मच। कुछ कहिए ना दादा। I'm choked. Sorry. वो
दिन हम कभी नहीं भूल सकते जब हमने उन दोनों के सामने उस मंच पर डांस किया, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन था। जब कल हो ना हो की शूटिंग चल रही थी तो ये बुक रिलीज हुई थी और जया जी इसे सेट पे ले आई थी एंड मैं असिस्टेंट थी उस सेट पे एंड ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम इस चीज को खरीदें। सो आई वेंट अप टू जया जी एंड सेड, मैम अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए इस किताब के साथ वक्त दें, आई वुड जस्ट लाइक टू सी व्हाट आई एम मिसिंग। उन्होंने मुझे ये किताब दी और मुझे जब ब्रेक मिलता था आई टू गो इन कॉर्नर्स एंड यू नो जस्ट लुक थ्रू द बुक, और दिन खत्म होते ही मैं वापस गई और उनको मैंने बुक हैंड ओवर कर दिया एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच मैम। अगले दिन उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि आई हैव समथिंग फॉर यू एंड दिस वॉज द बुक दैट शी प्रेजेंटेड मी, और आपका सिग्नेचर था उस पर एंड सेड टू गीता विद लव अमिताभ बच्चन मुंबई September 25th, 2003। किसी बच्ची ने किताब मांगा है और आपने शायद साइन कर दिया क्योंकि जया जी ने कहा था, लेकिन आज अगर ये आप ऑटोग्राफ करेंगे तो मुझे वाकई में पता चलेगा कि इट वॉज फॉर मी। मे आई कम देयर एंड गेट दिस ऑटोग्राफ? नो सर, आई विल कम। मेरी किताब को फिर से बच्चन साहब ने साइन कर लिया है और इस बार लिखा है विद रिन्यूड लव एंड अफेक्शन टू गीता, एंड मैं इस चीज को अभी चाहती हूँ कि उम्र भर मैं संभालूं और अगर मौका मिले फिर से एक बार साइन कराऊंगी। ये यादगार रहेगा मेरे लिए ये एपिसोड, आई थिंक टिल माय डाइंग डे। बच्चन साहब जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहे थे हमारे सारे कंटेस्टेंट को और सारे एक्ट्स को देख के, उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत इंजॉय कर रहे थे। उनको खुश देख के हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि अगर वो खुश हुए, इतने बड़े कलाकार अगर हमारे मंच पे आके वो खुश होते हैं और सरप्राइज होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नए टैलेंट को आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसी तरह ये शो और आगे बढ़े, हमारी कामना यही। थैंक यू। बच्चन साहब तो वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर स्टार ऑफ द मिलेनियम, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और दूसरी बात, दोनों का साथ होना ही मतलब एक बम फूटना था, तो मैं समझता हूँ कि फूटा है। I think people will like and enjoy it. Thank you.